अजीब बात है जी। सबसे पहले तो आपको दाद देता हूँ मैं कि तुम सच दिखाते हो, बस इसलिए मैं मुझे पसंद हो तो कि तुम सच सच दिखाते हो। और सारे चैनल जो है ना वो झूठ के चैनल है, झूठ के पैसों वाली चैनल है। और आज कसम खुदा की मैं आपके प्रोग्राम बहुत देखता हूँ और फिर मैं आपका माता चूमता हूँ तो आप सीखो। जी भाई सर, सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हामिद मीर और सलीम साफी जैसे नहीं आए, आपका बहुत बहुत मेहरबानी। दूसरी बात सर, दूसरी बात, हामिद मीर और सलीम साफी नहीं बनेगा, हम उम्मीद करते हैं। दूसरी बात सर, हम सिर्फ इमरान खान को एक मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो लोग जमीर फरोश जो बिक के अगली बार किसी ऐसे बंदे को टिकट ना दे, जरूर ये जो टिकट की तकसीम है। अहम मैसेज है इमरान खान के लिए कि डोंट गो फॉर इलेक्टेबल्स, लोगों को नजराती लोगों को वोट दें, भले गरीब लोग उनको वोट दें, वो आपके साथ खड़े होंगे, वो तब्दीली लेके आएंगे। सर चैन में से जो लोग हैं, चैन में से उनमें लोग कम मिल रहे हैं जो ऐसे लोगों को जो फेरा शूटर है जो बाद में बिकते हैं। सर ऐसे हमें हमारे जमीर के साथ खिलवाड़ ना करे, टिकट कभी ना। अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले मैं पेशावर को लोगों को सलाम पेश करता हूँ इस रमजान में इस गर्मी में इमरान खान के लिए निकले है, ठीक है। और मैं इमरान खान को भी बताना चाहता हूँ कि आपने लोटो को लिया पार्टी में, लोटो को टिकट दिया, लोटो ने किया कर दिया, लोटे लोगों ने खरीद लिए, ठीक है। आप वर्कर को टिकट दो, वर्कर को इज्जत दो, इंशाल्लाह ये वर्कर आपको सुरखरू करेगा, इंशाल्लाह आपको दोबारा वजीर आजम बनाएगा, इंशाल्लाह टूथर मेजोरिटी आपको वजीर आजम बनाएगा। और ये लोटो के बगैर इंशाल्लाह हम दिखाएंगे, इंशाल्लाह हम दिखाएंगे कि कैसे वजीर आजम दोबारा बन सकता है इमरान खान, हम दिखाएंगे कि कैसे हम, ये वो लोग हैं जो कुछ महीने पहले इमरान खान के, ठीक है। बड़ी ज़बरदस्त बात की है इस नौजवान ने कि हमें वर्कर्स को गरीबों को वो टिकट दें, हम आपको टू थर्ड मेजॉरिटी लेके देंगे और दोबारा वजीर आजम बनाएंगे। बहुत हम ये डाकू का बगाना है इंशाल्लाह, ये जो इम्पोर्ट हुकूमत हम पर मुसल्लत की गई है तो नाकाबिल कबूल है। जो इलेक्टेड था इमरान खान इसी जगह 2013 में भी, ये फजलुर्रहमान को मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ, आ गओ और ये फैसला करो, हम फैसला करेंगे इंशाल्लाह, इनको बगाना होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।